राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सोरेन कमाल के जादूगर है। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है हेमंत सोरेन को लेकर के। बता दें आपको कि 5 साल में 7 साल उम्र बढ़ गई है दस्तावेजों में, जिसको लेकर के अब शिवराज सिंह चौहान सीधा हमलावर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के। 5 साल को 7 साल कर देते हैं हेमंत सोरेन जादूगर है। 5 साल को 2 महीने में बदल देते हैं हेमंत सोरेन ने झारखंड की बहाने ठगने का काम किया है। तो हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को, झारखंड की बहनों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही बहाली में उन बहनों के भाई को छीनने का काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन के ऊपर सीधा हमला किया है। कहा कि हेमंत सोरेन गजब के जादूगर है। 5 साल में इन्होंने अपने 7 साल की उम्र बढ़ा ली। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के। हेमंत सोरेन कमाल के जादूगर है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा 5 साल को 7 साल कर देते हैं और 5 साल को 2 महीने में बदल देते हैं हेमंत सोरेन ने झारखंड की बहनों को ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही बहाली में उन बहनों के भाई को छीनने का काम किया है। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बीजेपी के चुनाव प्रभारी है शिवराज सिंह चौहान। ये सब वो कर देना है। कमाल के जादूगर हैं हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल को वो 7 साल भी कर देते हैं और 5 साल को वो 2 महीना भी कर देते हैं। उन्होंने 19 में बताई थी 42 साल और 24 में हो गई 49 साल। 5 साल के 7 साल और 5 साल पहले वादा किया उन्होंने नौजवानों से, कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडी गठबंधन में, और वादा था कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे और बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपया देंगे। उन्होंने माताओं बहनों से भी कहा था कि 2 हजार रुपया हर महीना चूल्हा खर्चा देंगे, लेकिन 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया उन्होंने। देना था उनको 5 साल, लेकिन 5 साल को 2 महीना बना दिया उन्होंने। और जब चुनाव के 2 महीना बचे तब उन्होंने 1000 रुपया की बात की देने की और नौजवानों से कहा 2 महीने में आ जाओ भर्तियों के लिए। तो 5 साल को उनने 2 महीना बना दिया। लेकिन आज भाई दूज है। मैं देश भर की बहनों को, झारखंड की बहनों को, मध्य प्रदेश की बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन कई बहनें झारखंड की ऐसी हैं जिनके माथे पर बहनें आज भाई दूज का तिलक नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि रोजगार के नाम पर, उत्पाद सिपाही की भर्ती के नाम पर ये इंडी गठबंधन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। ऐसी अव्यवस्थाएं, अमानवीयताएं देखी नहीं गई। 19 नौजवान जिनकी माता इंतजार कर रही थी कि उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के लौटेंगे, वो कफन ओढ़कर घर लौटे और उनकी बहनें आज भी इंतजार कर रही है अपने भाई का, किस
किसके माथे पर भाई दूज का टीका लगाएंगे। यह हादसा नहीं था, हत्या थी, और गठबंधन की सरकार को इसका जवाब देना होगा जनता की अदालत में। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा, और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में यह संकल्प भी है हमारा कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा, 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5,00,000 रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे, और कोई दिन भाजपा की सरकार में, एनडीए के गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं होगा कि जब मां को अपने बेटे का इंतजार करना पड़े और बाद में पथराई आंखों से वह अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखें। अब इसमें हार और जीत कहां से आ गई, ये तो बताओ कि 42 से 49 कैसे हो गए। इधर उधर की बात मत करो, तथ्य पे आओ। ये तथ्य को घुमाने की कोशिश क्यों करते हैं? कल अगर वो 500 साल भी लिख दे तो बोलिए फैक्टर थोड़ी है, वो लिख दिया तो लिख दिया 500 साल, ये कोई बात होती है क्या? ये तो और अहम की पराकाष्ठा, हमने हमारी मर्जी, हम जो चाहे लिखे। झारखंड में विकास के सूर्योदय के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनको 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है, और 2 सभाएं उनकी गढ़वाल चाईबासा में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।